दोस्तों इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट है, जो टेस्ट नंबर है अपना 7, इसको देखेंगे हम। तो छह जो चैप्टर थे इसके टेस्ट हो चुके हैं दोस्तों पहले ही, और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 7, जिस चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं पेपर में, लेकिन जो मेन मेन क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? आप उनको ध्यान में रखना, आपके पेपर के लिए भी काम आएंगे, बाकी आप टेस्ट में बहुत अच्छे से लिखना। सबसे पहला क्वेश्चन है सुरक्षा का अर्थ बताओ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता है ये, ठीक है? शुरू के तीन क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही हैं। और CWC का पूरा नाम बताओ, ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में प्रमुख अंतर क्या है? आपको ये मैंने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा रखा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और 7 में भी आप देखोगे आपको मिल जाएगा। बहुत ईजी सा है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, सिर्फ एक वर्ड में ही आंसर दे सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना एक पूरे एक से दो लाइन में भी चाहो तो आंसर दे सकते हो। चौथा जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है, और ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। तो शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है शक्ति संतुलन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से लिखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कोई 2 आतंकवादी संगठनों के नाम बताओ। इसमें अगर आप बुक में पढ़ोगे तो आपको आतंकवादी संगठनों के नाम भी मिलेंगे, तो आपको किन्हीं 2 आतंकवादी संगठनों के नाम बताने हैं। आप्रवासी और शरणार्थी में क्या अंतर है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कि अभी जो मैंने दो तीन दिन पहले एक वीडियो बनाया था 2018 का कंपार्टमेंट का पेपर जो था, उस पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, आप्रवासी और शरणार्थियों में क्या अंतर है, तो मैंने वहाँ पे भी बताया था। और बाकी ये बहुत ईजी है, आई होप कि आप सभी को आता ही होगा, बाकी देखते हैं आंसर में। इसके बाद 7 क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के हैं, 7वां 8वां 9वां, यानी 7th, 8th and 9th, ये तीनों क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स के। तो भारत की सुरक्षा रणनीति के प्रमुख घटक, भारत की सुरक्षा की रणनीति के 4 प्रमुख घटक थे, कुछ इस तरीके से हमने बुक में पढ़ा है। और मैंने आपको ये जो चैप्टर वीडियो बनाया था, मैंने उस चैप्टर वीडियो में कई बार फोकस करा था इस क्वेश्चन में, और मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं जो आपको लगभग एग्जाम में आते ही रहते हैं, हर साल दूसरे साल तीसरे साल रिपीट होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से करना। कोई 2 सुरक्षा के पारंपरिक तरीके बता सकते हो, 4 नंबर का क्वेश्चन है। बाहरी खतरों के 2 घटक बताने हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10वां और ये 11वां, 2 क्वेश्चन है 6 नंबर के। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। खतरे के नए स्रोत बताओ, और दोस्तों ये खतरे के नए स्रोत तो ना जाने कितनी बार पूछा जाता है पेपर में, तो मैंने आपको इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अब इसमें से 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो आपके आते रहते हैं, एक तो NPT का पूरा नाम बताओ, और दूसरा क्वेश्चन है सहयोग मूलक सुरक्षा, वो मुझे लेना चाहिए था पर मैं ले नहीं पाया उसे, तो आप उसे पढ़ लेना अपनी बुक में, सहयोग मूलक सुरक्षा। तो यहाँ से आपका ये टेस्ट हो जाता है, तो कल शाम 6 बजे तक, 6-7 बजे से पहले पहले मुझे आप अपने आंसर PDF फॉर्मेट में भेज सकते हो। और मैंने PDF कैसे बनाए, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता था, तो मैंने ये वीडियो बना दी है PDF कैसे बनाए, आप उस वीडियो को देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF कैसे बनाए उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और जो 3 पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं उन तीनों का लिंक मैं डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, आप उन तीनों पेपरों को भी देख सकते हो। तो दोस्तों